अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज 19 उर्दू में, हूँ आपका मेजबान तारिक शेख। डीडीसी मेंबर लोहर रियाज बशीर नाज ने दूर दराज इलाकों का दौरा किया। हम आपको बता दें कि डीडीसी मेंबर लोहरन रियाज बशीर नाज ने लोहरन के दूर दराज इलाकों का दौरा किया, जहां पर तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। मैं आपको बता दूं कि डीडीसी मेंबर लोहरन रियाज बशीर नाज ने लोहरन के पंचायत बराशेड लोल बेला और माड़कुड़ का दौरा किया, जहां पर उन्होंने तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। इनके हमरा मुकामी लोग और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि वहीं पर लोहरन की आवाम का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि माड़कोट, लोहल बेला और बराछड़ में ऐसे काम किए गए, आज से पहले ये काम नहीं हुए थे। उन आवाम का कहना है कि पहली बार रियाज बशीर नाज ने डीडी से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उस वक्त आवाम के साथ ये वादे किए गए थे कि यहाँ पर काम करवाए जाएंगे और वो काम जमीनी सतह पर देखने को मिले हैं। इनके हमरा वहाँ के कई सरपंच और पंचेज भी मौजूद रहे, जिन्होंने रियाज बशीर नाज का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इनकी कर्म नवाजी है कि ये हर जगह इस वक्त जे लगा हुआ है, इन्होंने जा गया थे जो मारो विलेज जेड़ो है जो एक तरक्की की राह पर लाया कि एक मॉडल बना, ठीक है, और मॉडल बन के नाल नाल अब
उन्होंने जित रखो तो उनको जितना काम तो उन्होंने रख छो अगे काम जोड़ो है वो हम सब लोगों को अगर उनका रखन मॉडल नहीं बनती बल्कि मॉडल बनेंगे तम लोगों का बना ठीक है कि इस वक्त की जड़ी प्लानिंग है या प्लानिंग जड़ी है जिस तरह के मुझे जनाबा मैं गुजारिश भी करूँगा कि जो भी इसके ऊपर गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमारी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि ताकि हमारा जो काम इस वक्त काम नोट करेंगे इसमें कल को मारो काम रहना चाहिए अगर इस वक्त की प्लानिंग भी जो मारो को काम पीछे रह जाएगा तो कल खुदा न खास्ता ये हमारा ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो सकेगा कि भाई उस वक्त जो काम रखे तो यो क्यों नहीं आया तो बाकी क्यों आए ठीक है उस चीज़ का हम मद्देनजर रखेंगे सब कुछ पहले फिर उस तो बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आज इस काम की जो इनॉग्रेशन हमारे DDC मेंबर रियाज बशीर नाज साहब ने माहरकोट में आके की है और जिस तरह से यहाँ पे ये काम हुआ है काबिले तारीफ़ काम और तारीख में पहली बार जो ये काम नज़र आया है जिस तरह से माहरकोट में ये हमारे ठेकेदार साहब हैं इन्होंने ये काम किया है तारीफ़ के लायक और मैं कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो जिन्होंने ये काम करवाया है उनके लिए मुबारक है और उसके बाद हमारे बशीर DDC मेंबर रियाज बशीर नाज साहब को आज बहुत बहुत बड़ी मुबारक मैं उनको पेश करता हूं कि जो आज मौके पे आए और उन्होंने इस काम की इनॉग्रेशन की रिबन काटा तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि ये तारीख माहरकोट की आज से लिखी जाएगी कि आज माहरकोट में पहली बार जो ऐसा काम हुआ है ये यहाँ माहरकोट की आवाम की एक मांग थी कि यहाँ के स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा हुआ था उसी की सुधारने की कड़ी में यहाँ पे स्कूल है इसकी आज कंपाउंड वॉल जो है वो कंप्लीट हुई है उसी को देखने के लिए हम यहाँ आए थे और इसके साथ साथ ये जो पुराना स्कूल है जो बिल्डिंग है इनकी इनको भी देखने आए थे और जो फर्दर हमारी प्लानिंग होगी कि स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा किया जाए और इसके साथ साथ आवाम माहरकोट के और किस किस प्रोजेक्ट की और किस किस चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है जिससे यहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो पाए इसके साथ साथ हमारा खेत नाड़ियाँ का स्कूल है उसका भी आज टेंडर होके अलॉटमेंट हो गई है वो भी एक आवाम की माहरकोट की काफ़ी मांग थी कि स्कूल काफ़ी देर से टूटा हुआ था उसके लिए भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ इसके साथ साथ यहाँ की सड़क का मसला है उसका भी आज जो टेंडर है जो बराछड़ से ऊपर जाए उसकी भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो टेंडर का भी आज फाइनल हो गया है इसी तरह बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं वो आवाम के साथ बैठ वो भी हम डिस्कशंस करेंगे कि फर्दर हम इन इलाकों को जो पिछड़े इलाके हैं और दूर दराज के इलाके हैं उनको किन किन तरीक़ों से किन किन ज़रूरतों के हिसाब से हम डिवेल्प कर पाएँ और यहाँ के लोगों को सहूलियत दी जाए उसी के सिलसिले में आज माहरकोट और बराछड़ पंचायत का हमारा दौरा है।